Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फार्मूला जो है वो उसको एल्जेब्रिक फार्मूला को हमने सबसे पहले जो है वो प्रूव करना है. तो देखिए वो जो एल्जेब्रिक फार्मूला है वो क्या है जो हमने इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने आज वाले लेक्चर में सॉल्व करने हैं. तो इन क्वेश्चन नंबर 6 लेके क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास एल्जेब्रिक फार्मूला यूज होगा वो एल्जेब्रिक फार्मूला हमने अभी जो है वो प्रूव करना है. वो फार्मूला जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 84 पे है, लेकिन वो फार्मूला जो है वो प्रूफ नहीं हुआ हुआ उस पे यहाँ पे उसका बुक पे उसका प्रूफ नहीं है, जस्ट फार्मूला गिवन है. तो फार्मूला देखें क्या है. फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब. ये फार्मूला है. तो इस फार्मूला का अब हमने यहाँ पे प्रूफ फाइंड करना है. तो देखिए प्रूफ में क्या है. सबसे पहले वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड देंगे जो कि किसके इक्वल है ए प्लस बी होल क्यूब के. अब आप लोग पहले भी पता है आप लोगों को कि a प्लस बी होल क्यूब यानी क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म जो है या कोई भी नंबर जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. इट्स मीन यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है कि a प्लस बी जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के. अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉज अगर फर्स्ट एक्सपोनेंशियल लॉज यूज करें कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है. तो यहाँ पे बेस हमारे पास a प्लस बी है तो पावर्स a की 2 है दूसरे की 1 है. तो 2 प्लस 1 किसके इक्वल होगा 3 के. तो दोबारा यही स्टेप आ सकता है. तो ये किसके इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है तो इसको हमने अप्लाई करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा. तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है इंटू a प्लस बी एज इट इज. और ये सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कि इसको यूज किया है हमने यहाँ पे. तो a प्लस बी जो है होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस फार्मूला हमने प्रूव किया था वही प्रोसेस होगा कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसकी फर्स्ट टर्म को सेकंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म को हम सेकंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड नेक्स्ट ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म होगी इस टर्म को हम सेकंड एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखें जब हमने इस फर्स्ट टर्म मीन्स ए स्क्वायर को इस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर डॉट ए मीन ए स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ प्लस साइन एज इट इज. और फिर इस ए स्क्वायर को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर डॉट बी प्लस
इस नेक्स्ट अब हमने ए स्क्वेयर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम बी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी के साथ। तो इस बी स्क्वेयर को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वेयर डॉट ए प्लस और बी स्क्वेयर को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो बी स्क्वेयर डॉट बी। अब हमने इस बी स्क्वेयर को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास 2ab है तो अब हम इस 2ab को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2ab को जब a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2ab डॉट a प्लस साइन एज इट इज, और 2ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2ab डॉट b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वेयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a से तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखें बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉस बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो बेसिस यहाँ पे सेम है तो पावर ऐड होगी तो 2 प्लस 1 3 के इक्वल होगा, a क्यूब आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे दो डिफरेंट जो है वो बेसिस है इसलिए a स्क्वायर b आ जाएगा प्लस b स्क्वायर a एज इट इज b स्क्वायर डॉट a को हमने b स्क्वायर a लिख लिया। प्लस यहाँ पे भी देखें b स्क्वायर डॉट b है तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी 2 प्लस 1 3 तो b क्यूब होगा। प्लस अब यहाँ पे 2ab डॉट a कि 2ab को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये जो a है ये a और a जो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड होगी तो 1 प्लस 1 2 होगा तो 2a स्क्वायर b। प्लस 2ab को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी देखें अब b 2 टाइम्स है तो बेस सेम है पावर दोनों की बात है तो 1 प्लस 1 2 होगा 2ab स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे कि हमने इनकी पावर के अकॉर्डिंग जो है वो इनको लिखना होगा। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो पावर है a की वो है 3 तो b की पावर भी 3 है तो हम जो 3 की पावर्स बाई टर्म्स जो है वो अगट्ठी लिखेंगे a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 प्लस a स्क्वायर b एज इट इज। देन हमारे पास ये जो a स्क्वायर b वाली एक और टर्म भी है वो ये है प्लस 2a स्क्वायर b एज इट इज प्लस यहाँ पे है ए बी स्केयर। यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि बी ए इक्वल होता है ए बी के तो बी स्केयर ए बी इक्वल हो सकता है ए बी स्केयर प्लस टू ए बी स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे तो देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा 3 के इक्वल होगा तो 3a स्क्वायर b प्लस 2 प्लस 1 इनकी वेरिएबल्स जो है वो सेम है जस्ट कोफिशिएंट चेंज है तो ऐड हो सकता है 2 प्लस 1 3 ab स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप है देखें a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज प्लस अब 3 की जो कोफिशियंट है इन दोनों के साथ है तो इन दोनों में से हम 3 को कॉमन लेंगे। 3 जब कॉमन आएगा ये तो 3 एज इट इज। अब a b भी इन दोनों टर्म्स में है, यहाँ पे भी a स्क्वायर b है और यहाँ पे भी a b स्क्वायर है मीन दोनों टर्म्स के अंदर a b है तो 3 a b कॉमन ले लेंगे हमारे पास यहाँ पे जस्ट a बचेगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था तो एक a बाय कॉमन गया तो एक a जो है हमारे पास अंदर बचेगा प्लस ये 3 a b स्क्वायर है
तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट b बचेगा, क्योंकि b स्क्वेयर था तो b एक बाहर कॉमन गया और एक b अंदर होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस फार्मूला के राइट हैंड साइड पे हमारे पास यही टर्म थी, इट्स मीन हमने इसको प्रूव कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट, उधर ही आपकी बुक के पेज नंबर 84 पे साथ एक और फार्मूला भी लिखा हुआ है, जो कि है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये ऊपर वाला फार्मूला जो है वो प्रूव किया है, तो ये आपने खुद प्रूव करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, कि अगर x प्लस वाई इक्वल हो 7 के एंड x y इज इक्वल टू 12 और x y इक्वल हो 12 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। तो फिर हमें x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कि अगर x प्लस y इक्वल है 7k और x y इक्वल है 12k, तो फिर हमें x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन डाटा होगा, हम गिवन डाटा को लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप है। अब गिवन डैट x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड x y इक्वल टू 12, देन वी हैव टू फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बताना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, कि x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी यूज द फार्मूला। हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला अभी हमने इसी लेक्चर में जो है वो प्रूव किया है, वो फार्मूला क्या है। अब उस फार्मूले में आपके पास जो है वो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल था a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x क्यूब प्लस y क्यूब की है, इसलिए हमने उस फार्मूले के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल थे a और b, उनको चेंज करके हमने x और y लिख दिया है। क्योंकि वेरिएबल तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी नहीं होती, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x प्लस y इक्वल टू 7 एंड x y इक्वल टू 12, कि इस फॉर्मूले के अंदर हम अगर x प्लस y इज इक्वल टू 7 जो कि हमें गिवन है, ये और x y इक्वल टू 12 ये भी हमें गिवन है, ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा। देखें, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y प्लस y क्यूब। अब x
प्लस वाई किसके इक्वल है, 7 के, ये गिवन है। तो x प्लस वाई 7 के इक्वल है, तो 7 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब एज इट इज प्लस 3। अब x y है, 3 के साथ क्या है, x y, तो x y किसके इक्वल है, 12 के, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम x y जो है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 7 के, यहाँ पे भी हम 7 पुट करेंगे, प्लस y क्यूब एज इट इज। अब नेक्स्ट 7 का क्यूब है, मीन्स 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7, 7 7 सा 49 एंड 49 7 सा क्या होता है, 343 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, सबसे पहले यहाँ इसको हमने सॉल्व किया है, 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 12 3 जा 36, 7 एज इट इज प्लस वाई क्यूब। थ्री 43 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 36 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 252। ठीक है, 36 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 252। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉन्स्टेंट को अलग किया है, क्योंकि जस्ट हमारे ने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो थी x क्यूब प्लस y क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे x क्यूब प्लस y क्यूब के साथ 252 भी है, जिसको ही हमने साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, 343 माइनस 252। ये 252 इस साइड पे प्लस साइन के साथ था, जब साइड चेंज करेंगे तो इस साइड पे ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के बाद साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 343 में से जब हम 252 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 91 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो किसकी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो वो हमने फाइंड कर ली, किसके इक्वल आया है हमारे पास, 91 के। हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। इसलिए जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 91 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, इसमें हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड की है बाय यूजिंग फार्मूला, उसमें हमने ये फार्मूला यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 27 एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। के क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, अगर 3x प्लस 4y इक्वल हो 11 के एंड एक्स वाई इक्वल हो 12 के, then find the value of 27 x cube plus 64 y cube। तो देखिए solution में सबसे पहले हम हमारे पास जो given data होगा, first step में हम वो लिखेंगे, given that 3x plus 4y equal to 11 and x y equal to 12, then we have to find 27 x cube plus 64 y cube। कि अगर हमारे पास ये given है कि 3x plus 4y equal हो 11 के
और x y इक्वल हो 12 के, देन हमें ये फाइंड करना है कि 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब किसके इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बताना है कि 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब वी यूज द फार्मूला कि 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये वही फार्मूला है जो हमने इसी लेक्चर में इसको प्रूव किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने आपको बताया है कि वो फार्मूला जो है वो वेरिएबल ए और बी के साथ हमने प्रूव किया था। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो वैल्यूज एक्स और वाई की फॉर्म में है, इसलिए हम इस फार्मूले में वेरिएबल ए और बी को एक्स और वाई से सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड xy इक्वल टू 12 वी गेट कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड xy इक्वल टू 12 अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए गिवन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 और हमने फाइंड क्या करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 हम इसके दोनों साइड्स पे होल क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमने 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 का दोनों साइड पे क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद हमने ये लेट किया है कि इसमें 3x जो है वो हमारे पास इक्वल है x के एंड 4y जो है वो इक्वल है y के। देन ये हमने खुद सपोजिशन की है कि 3x जो है ये वाला 3x ये इक्वल है इस x के और ये वाला 4y इस इक्वल है y के। देन अब हम इसके इसमें इस फार्मूले को ओपन करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि x प्लस वाई होल क्यूब अगर x क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब के इक्वल है तो 3x प्लस 4y होल क्यूब फिर किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x क्यूब की जगह 3x होल क्यूब प्लस y क्यूब की जगह 4y होल क्यूब प्लस 3xy की जगह 3 इंटू 3x इंटू 4y एंड x प्लस वाई की जगह 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 का क्यूब है। इट्स मीन 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है 3x होल क्यूब मींस के हमने 3 का क्यूब लेना है और x का भी क्यूब लेना है तो 3 का क्यूब 27 होता है कि 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 27 आता है। x क्यूब प्लस 4y होल क्यूब है मींस 4 क्यूब एंड देन y क्यूब तो 4 का जब हम क्यूब लें तो मींस 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 आर 16 एंड 16 4 आर 64 तो 4 का क्यूब 64 के इक्वल आता है y क्यूब एज इट इज प्लस 3 एज इट इज और 3x को जब हम 4y से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 आर 12 एंड xy एज इट इज 12xy
3x plus 4y as it is equal to 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 का स्क्वायर 121 के इक्वल होता है, लेकिन 11 का क्यूब जो है वो 1331 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस इस 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 का क्या होता है 36, ठीक है, तो 36xy इंटू 3x प्लस 4y इक्वल टू 1331। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3x प्लस 4y की जगह 11 और xy की जगह 12 जो कि हमें गिवन था वो वैल्यूज पुट करेंगे। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 और एक्स वाई की जगह हमने 12 पुट कर लिया और 3x प्लस 4y की जगह 11 जो कि गिवन था इक्वल टू 1331। नेक्स्ट स्टेप पे देखें, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब एज इट इज प्लस 36 एज इट इज 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 132 आता है। ये दोनों जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 132 इज इक्वल टू 1331। नेक्स्ट स्टेप देखें, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस अब 132 को हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 132 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4752 इक्वल टू 1331। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन में वो है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब और यहाँ पे इस साइड पे 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब के साथ हमारे पास 4752 भी है, ठीक है, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप पे इसको इस साइड पे लेके आएंगे, ट्रांसपोजिशन होगी इसकी, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे हम, साइड चेंज होगी इसकी, तो ये प्लस का साइन जो है इधर प्लस का है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम माइनस करेंगे 4752 में से 1331 को तो आंसर हमारे पास आएगा 3421 और बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 4752, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी हमारे पास माइनस साइन आएगा इसके आंसर के साथ। तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल होगा माइनस 3421 के। तो हमने क्वेश्चन में इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की, जो कि हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हेंस द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3421। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो भी आपने सेम ऐसे ही करने हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो आप उसको खुद सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इसी फार्मूले के को यूज करते हुए
आपने क्वेश्चन नंबर 8 को खुद सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, तो वो भी इसी मेथड से इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी खुद सॉल्व करना है। तो आज वाले लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाले जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 उनको डिस्कस किया है। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2 के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।